से दो बार के विधायक प्रत्याशी रहे गणेश महली जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन में। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ नाराजगी रही, क्यों उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर किसी और पार्टी के साथ शामिल होने का मन बनाया है, आखिर क्या कुछ नाराजगी रही है, क्या इस बार फिर से वो और चंपई सोरेन आमने सामने होंगे क्योंकि बीजेपी का दामन इन्होंने छोड़ दिया है। और इसके पीछे जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो ये कि सरायकेला से चंपई सोरेन को टिकट दे दिया गया है बीजेपी की तरफ से। चलिए हम गणेश महली जी से ही बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर और समझते हैं उनसे इस आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं। गणेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के लाइव सेशन में। हम जानना चाहेंगे कि दो बार के आप प्रत्याशी रहे हैं बीजेपी की तरफ से, क्या कुछ नाराजगी हुई है कि आपने इस्तीफा दे दिया बीजेपी से? नाराजगी का कारण एक ही है कि हमारा श्रेष्ठ नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय चंपई सोरेन जी को भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता दिलाया जी, और सदस्यता दिलाने के बाद निश्चित तौर पर सरायकेला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के सीट से चंपई सोरेन जी को कैंडिडेट होना था और हमने उसका स्वागत किया, उसका सम्मान किया और हमारे कोई भी कार्यकर्ता उसका विरोध में कभी भी किसी प्रकार का विरोध प्रकट नहीं किया है जी। और हमने इच्छा से सरायकेला विधानसभा को छोड़कर हमने खरसवां विधानसभा में जाकर तैयारी करने लगा जी। और खरसवां विधानसभा में एक एक कार्यकर्ताओं को फिर से हमने जगाने का काम किया जो शिथिल हुआ पड़ा हुआ था खरसवां विधानसभा जी। और खरसवां विधानसभा से हमने तैयारी करना चालू कर दिया जी। और वहाँ से हमारे इस राज्य के मान्य तीन बार का मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री ने मान्य अर्जुन मुंडा जी का परंपरा सीट रहा है जी, बिल्कुल। और मान्य अर्जुन मुंडा जी हमारे लिए त्याग दिया और त्याग दे के हमारे लिए वो आपका हमको चुनाव लड़ाने के लिए पर भी किया, आपका सेंट्रल आपका चुनाव बोर्ड कमेटी से पारित हो गया था और हम लोग का झारखंड आपका चुनाव कोर कमेटी से भी हमारा नाम से सहमति बन गया था और हमारा टिकट फाइनल हो गया था जी। तो चंपई सोरेन जी को ऐसा कौन सा उसको जो जरूरी पड़ा जो हमारा टिकट खरसवां से भी टिकट को कटाने का काम किया जी। और दो दिन पहले आपका दिल्ली जाके हेमंत विश्व शर्मा से जी से बात करके फिर से आपका खरसवां से भी उसका चेला को टिकट दिलाने का काम किया जो सोनाराम बोदरा के नाम से पार्टी ने घोषित किया। और हमारा पार्टी का शुरू से परंपरा रहा परिवारवाद का खिलाफ रहा है, तो चंपई सोरेन को इतना कौन सा उसको भारतीय जनता पर उसको दिग्गज समझ लिया कि उसको घटसिला से भी उसको बेटा को टिकट दिया, सरायकेला से भी उसको आपका चंपई सोरेन जी को टिकट दिया और खरसवां से भी सोनाराम बोदरा जी को टिकट देने का काम किया। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो जो वर्षों से जो कार्यकर्ता हमने जो संगठन को सींचने का काम किया, खून पसीना से आप लोग सींच कर संगठन को खड़ा करने का काम किया, फिर हम लोग का स्थान कहाँ रहा? और हम इसलिए नाराज होकर हमारा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम हमारे माननीय चंपई सोरेन जी ने किया है। तो इसलिए चंपई सोरेन जी को उसको औकात बताने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी से सभी पदों से त्याग दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमने सरायकेला विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बना चुका है। और इसके निमित्त हमारे माननीय हमारे झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से हमारा औपचारिकता मुलाकात भी हो चुका है और आज हमको लगता है कि निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारा टिकट का फाइनल होने वाला है जी। और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरायकेला विधानसभा से चंपई के खिलाफ ये चुनाव लड़ेंगे और उसको राजनीतिक अस्तित्व हम समाप्त करेंगे जी। एक स्टेटमेंट आपका सामने आया था कि बाहरी लोगों पर ज़्यादा भरोसा कर रही है बीजेपी, जबकि आपने कहा कि आप इतने लंबे समय से बीजेपी के साथ काम करते आए, दो बार के प्रत्याशी आप रहे सरायकेला से और अचानक से जब चंपई सोरेन उसमें आते हैं तो चंपई सोरेन को सरायकेला दे दिया जाता है, उनके बेटे को दे दिया जाता है घाटशिला, वही अगर आपने बात किया खरसावा से जहां आप संतुष्ट थे कि मैं खरसावा से लड़ लूंगा सरायकेला मैं छोड़ देता हूं, लेकिन खरसावा से भी आप बोल रहे हैं कि सोनाराम बोदरा को दे दिया गया है जो कि चंपई सोरेन के खास है, तो क्या कुछ रीज़न रहा है कि उनकी बात को इतना तवज्जो दिया जा रहा है पार्टी में? अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको चंपई सोरेन को क्या समझ बैठा भगवान जाने। अब कल कल जुम्मा जुम्मा जो पार्टी में आके अब पार्टी का वो सर्वान नेता मन बैठ अब का समझ बैठा है या हमारे पार्टी का बड़ा बड़ा दिग्गज अर्जुन मुंडा जी को दरकिनार कर दिया गया, हम लोग को बाबूलाल मरांडी जी को दरकिनार करके आपका आदिवासी का इतना बड़ा नेता आपके चंपई सोरेन जी को मन बैठा है, तो गणेश माली उसको वो पार्टी संगठन को उसका संदेश देना चाहता है कि चंपई सोरेन कितना बड़ा दिग्गज है और गणेश मालिक जमीन का कितना बड़ा नेता है, इस चुनाव के मैदान में पता चल जाएगा जी। आप बिल्कुल जमीन से जुड़े नेता है, लेकिन अगर हम चंपई सोरेन की बात करें तो उनको भी तो ये कहा जाता है कि वो कोल्हान के टाइगर हैं।
सरायकेला से, उधर से टाइगर उनको माना जाता है, क्या ये टाइगर होने की वजह ही है कि बीजेपी उनको इतना तवज्जो दे रही है? बीजेपी को उसका चंपा सोरेन का असली चरित्र के बारे में पता नहीं है। चंपा सोरेन से हमें विगत 20 वर्षों से उसको हम आपका संघर्ष कर उसका खिलाफ में हमने संगठन को खड़ा किया है। चंपा सोरेन टाइगर है कि गिद्ध हम जानते हैं ना। अगर चंपा सोरेन अगर वो अपने आप को इतना बड़ा टाइगर समझते तो फिर आपका जमीन छोड़ के बीजेपी क्यों आता? इस बार उसका जमीन घसक गया था, अपना जमीन को बचाने के लिए वो बीजेपी का दामन थामने का काम किया है। 2000 आपका 24 का लोकसभा चुनाव में आपका सरेकला विधानसभा स्वयं मुख्यमंत्री रहा जो हमसे, और उसके बाद जो है 22,000 वोट से बढ़त थे वो गणेश माली का परिश्रम का दिन था। सिंहभूम लोकसभा में 6 विधानसभा, 6 विधानसभा में सिर्फ सरेकला विधानसभा में बढ़त थे। जी, आपने कहा कि आप जमीन से जुड़े हुए नेता रहे, आपने उस जमीन को सींचा है और वहाँ पे बीजेपी को खड़ा करने में आपका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, तो जिस तरह से आपको टिकट नहीं दिया गया तो वहाँ की जनता में किस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है या नाराजगी देखने को मिल रही है? हमको नाराजगी पार्टी से नाराजगी नहीं है, हमको नाराजगी आपका चंपा सोरेन जी से नाराजगी है। जी, चंपा सोरेन जी को अगर इतना ही अगर उसको अगर पार्टी में अगर उसको आके अगर पार्टी संगठन को मजबूत करने का विचार उसके मन में अगर विचार था तो वो उसको हमारे लिए खर्चना से उसको आपको हमारे लिए पर भी करना चाहिए था। सरेकला उसके लिए हमने हंसते हंसते सरेकला छुटको में त्याग दिया, जो वर्षों से जो हमने सीखने का काम किया संगठन को, 2-2 बार चुनाव हारने का हमने संगठन को कभी छोड़ा नहीं है, एक एक कार्यकर्ता के सुख में दुख में खड़ा होकर संगठन को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है, तो उसको तो भली भांति हमारे बारे जानते थे। जब वो बीजेपी में आए और हम सरेकला को जब त्याग देकर हम खत्मा गए तो उसको हमारे लिए पर भी करना चाहिए था। मुंडा जी का परंपरा सीट था, मुंडा जी वहाँ जब बिट्टो लगा दिए तो मुंडा जी का भी सम्मान नहीं रखा, वहाँ जाकर आपने पर भी करके सोनाराम जी को टिकट दिलाने का काम किया। तो मैंने आप काल पार्टी में आके हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपने किसी का सम्मान नहीं रखा। आज अब मुंडा जी भी आपका कद बड़ा अपने आपको बड़ा समझने लग गया, आज बाबूलाल जी से भी आप अपने आपको कद बड़ा समझने लग गए, तो हम आप काल लाके हमारे पार्टी के किसी नेताओं का मान सम्मान को आपने रखने का काम नहीं किया तो काल को हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान क्या रखेंगे? अभी से अब इतना दिन से पार्टी में आके एक भी हमारे कार्यकर्ताओं से अभी तक कोई किसी से मिलने का काम नहीं किया, किसी से कोई पूछने का काम नहीं किया। आपने इस्तीफा दे दिया बीजेपी से, अब आप जेएमएम में शामिल हो रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि अब सरायकेला से आप चुनाव लड़ेंगे जेएमएम की तरफ से और ये जो चुनाव होगा वो सीधा सीधी चंपा सोरेन के अगेंस्ट में होगा। एक तरह से अगर हम देखें पिछले चुनावी चुनाव का जो समीकरण था और इस चुनाव का, वो बिल्कुल पलट गया है। आप पिछली बार बीजेपी की तरफ से थे और चंपा सोरेन जेएमएम की तरफ से, अब ये जो है पूरी तरह से अपोजिट हो गया है। अब जेएमएम की तरफ से आप हो गए हो और अगर चंपा सोरेन को देखें तो वो बीजेपी की तरफ से हो गए, तो किस तरह का समीकरण इस बार देखने को मिलेगा वहाँ सरायकेला? हमारे बीजेपी के लोग अभी तक चंपा सोरेन को कभी एक्सेप्ट किया नहीं है और ना उसको कभी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। और हमको लेकिन एक्सेप्टेंस तो दिख रहा है ना, कहीं नहीं दिख रहा है, और आप जब चुनाव नहीं जब नतीजा सामने आएगा तो आपको दिखने लगेगा। अभी तक जेएमएम ने लिस्ट जारी नहीं किया है, आज अगर हम देखें अगर जेएमएम लिस्ट जारी करती है तो उसमें क्या आप एक कन्फर्म दावेदार है सरायकेला से? अभी तक तो हम लोग कन्फर्म दावेदार है, बाकी पार्टी से इसने खुद को तय करना है। माननीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर सारा जीत का निर्भर है, अब सरेकला से किसको उसको चुनाव लड़ाना है, सरेकला से कौन सीट जीत सकता है, ये तो उनको तय करना है। हमने तो अपना सहमति रख दी, अपना भावनाओं को उनका पास हमने प्रकट किया है, बाकी सारा हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व इसको डिसाइड करेगा चुनाव, वहाँ से किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना। अब हम लोग तो जेएमएम में हम लोग सहमति जता दी, हम लोग आपके जेएमएम का सदस्यता ग्रहण करने वाला है। पार्टी चुनाव लड़ाएगा भी तो ठीक है, पार्टी चुनाव नहीं भी लड़ाएगा तो हम लोग जेएमएम के लिए काम करने के लिए मन बना। बिल्कुल, मतलब कि अगर पार्टी नहीं भी चुनाव लड़ाती है तो आप जेएमएम के लिए काम करेंगे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने जब आपको टिकट नहीं दिया तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं तैयार हुए काम करने के लिए? हमको बोले ना, हमको भारतीय जनता पार्टी से कहीं नाराजगी नहीं है। जी, जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने आपका सीच के ऊपर संगठन को खड़ा करने का काम किया, हमको नाराजगी है चंपा सोरेन जी से। जी, जो हमारा सीट हमारा कन्फर्म हो चुका था खसमा से, जब रेसी चंपा सोरेन जी जाके हमारा सीट को काटने का काम किया, टिकट को काटने का काम किया है, तो हमको नाराजगी सीधा सीधे चंपा सोरेन जी से है। चंपा सोरेन हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने का काम किया, जो वर्षों से हमारा विपरीत परिस्थिति भी हमारा उसका खिलाफ जो संगठन में आपका झंडा लेकर हमारा कार्यकर्ता खड़ा थे, आज उससे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने का काम किया है। इसलिए वहाँ हमारा व्यक्तिगत कुछ आपका लड़ाई नहीं है, हमारा कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए गणेश माली ने इस कदम को उठाने का काम किया।
आप अब जेएमएम के साथ शामिल हो रहे हैं, आपने अपने टिकट को लेकर भी दावेदारी आपने कह दी है कि मेरी दावेदारी होगी सरायकेला में, क्या कुछ सीएम से बात हुई है, हेमंत सोरेन से क्या कुछ बात हुई है इस पूरे मामले को लेकर आपकी? अंदर की बात है, हेमंत सोरेन जी से हमारा औपचारिक सब सारा बात हो चुका है, बाकी अब हेमंत बाबू को डिसाइड करना है। ये औपचारिकता कब सामने आएगी? आ जाएगा शाम तक, आप लोग को स्पष्ट पता चल जाएगा शाम तक। तो शाम तक हम कंफर्म मान के चल सकते हैं कि सरायकेला से आप ही होंगे चंपा सोरेन के खिलाफ? अब इंतजार कीजिए, अब संगठन को तय करना, हम लोग इसको कंफर्म नहीं बोल सकते कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम ही कैंडिडेट हो सकते हैं, ये पार्टी को तय करना है। हमने पार्टी से आके अपना सहमति भी हमने माननीय हेमंत सोरेन जी के पास अपने अपने बातों को रख दिया है, अब हेमंत बाबू को डिसाइड करना है अब किसको कहाँ से चुनाव लड़ाना नहीं लड़ाना। अब हम लोग हेमंत बाबू जी के साथ है, हेमंत बाबू जी का जो आदेश होगा उसको हम लोग मान के आके संगठन के लिए काम करेंगे। ये जो बातों बातों की नाराजगी हमें दिख रही है आपकी और चंपई सोरेन के बीच में, ये लगता है आने वाले चुनाव में हमें ये चुनावी रणभूमि में भी देखने के लिए जरूर मिलेगी सरायकेला से? हमारा कभी रिवर्स गियर लगता ही नहीं, जब मन बना लिए कि आप पार्टी से त्याग दे दिए तो त्याग दे दिए, लाइफ में कभी हमने रिवर्स गियर हम जानते नहीं हैं। अब हमारा मन बनना चुके हैं कि अब बीजेपी से त्याग दे दी तो त्याग दे दिया, दोबारा कभी लौट कर नहीं आना। चंपई सोरेन का तो ये कहना है कि सरायकेला में जिस तरह से उनका पैड बना हुआ है, लोग जनता उन्हें इतना ज़्यादा मान रही है, पहचान रही है, भारी बारिश के बाद भी वहाँ पर लोग उमड़ रहे उन्हें सुनने के लिए, वो तो पैसा की बदौलत कर रहा है, उनको तो पूरा झारखंड जानता है। 2014 के चुनाव में चंपई सोरेन जी को हम काफ़ी वोटों के अंतर से हमने चुनाव जीता था, चुनाव हरा दिया था, तो बेईमानी करके वो चुनाव जीतने का काम किया है। ये तो पूरा झारखंड जनता पूरा देश जानता है कि गणेश मालिक को पार्ट आपका पार्टी दे दिया था आपको 2014 में जी 2014 में चुनाव हार चुका था। एक तरह से ये देखिए जिस तरह से अभी चुनाव का जो लिस्ट जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से, परिवारवाद का मामला एक बहुत ज़्यादा उठकर सामने आ रहा है। लगातार ये था कि बीजेपी अक्सर विपक्ष की पार्टियों पर परिवारवाद को लेकर घेरती आई है, लेकिन जब से बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दिया अब बीजेपी खुद इस परिवारवाद में घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को भुगतना पड़ेगा जो बीजेपी लगातार आपका परिवारवाद के खिलाफ में रहा, मोदी जी हो चाहे हमारे आपका जेपी नड्डा जी हो, हमेशा परिवारवाद के खिलाफ में उन लोगों ने संघर्ष करने का काम किया, लेकिन आज ऐसा कौन सा मजबूरी हमारे झारखंड में आ गया जो चंपई सोरेन जी का सामने हमारा बीजेपी इतना बड़ा पार्टी उस पर नतमस्तक हो गया है, इसे कौन सा आपका बीजेपी में मजबूरी आ गया कि चंपई सोरेन जी का घुटना टेकने का काम किया है? ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विधानसभा चुनाव में पिता और पुत्र दोनों को ही एक साथ टिकट देकर उतार दिया गया है मैदान में, क्या कुछ रीजन हो सकता है इसके पीछे? ये तो आप बीजेपी को तय करना, अगर बीजेपी अगर चंपई सोरेन जी को इतना बड़ा टाइगर मानता है तो करो आपका कोल्हान में किसी भी विधानसभा से उसको चुनाव लड़ा सकता था, सरायकेला से ही क्यों जी? सरायकेला से तो वो गणेश मालिक को सीट छोड़ना चाहिए था, अगर चंपई सोरेन अपने आप को इतना बड़ा टाइगर समझता है तो जब सरायकेला छोड़ के किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़के देख ले। सरायकेला चलिए उन्होंने दे दिया उनको, सरायकेला में मुख्य रूप से उन्होंने माना कि चंपई सोरेन, खरसावा के लिए क्यों नहीं आपको चुना, खरसावा में आके सोना? ये तो उनको पूछना है कि आपने जब गणेश माली आपके लिए जब त्याग दे दिया आपका सरायकेला सीट, त्याग दे के वो खरसावा चले गया बिना आपको बोले बिना पूछे, खरसावा में जाकर तैयारी किया, वहाँ से मुंडा जी हमारे लिए परविकार के रूप में आपका अपना सीट को परंपरा सीट को त्याग दिया और हमारे लिए बिट्टो पावर लगा दिया था, वहाँ मुंडा जी का भी बात सम्मान को चंपई सोरेन जी ने नहीं रखा? आपने सवाल नहीं किया खरसावा को लेकर? खरसावा को लेकर हमने अपने त्याग की बात नहीं कही क्योंकि आपने तो आप खुद इतने समय तक उसमें कार्य करते हैं, हम बोलने जाएंगे उनका तो आप खुद का विवेक होना चाहिए। ये तो हक की लड़ाई थी, आप बोल सकते थे, वो आप बोलने का, आप तो बात को सुनने नहीं तो क्या करेगा, हमारा बात क्या सुनेगा, जब मुंडा जी का बात नहीं सुना, मुंडा जी को इतना समझाने का प्रयास किया था जी, वो किसी का सम्मान रखा ही नहीं संगठन में आकर, संगठन का परंपरा को उसको अभी तक उसको पता ही नहीं है तो चुनावी समीकरण में हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से अब सरायकेला का जो सीट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पहले जेएमएम की तरफ से हमें चंपई सोरेन सरायकेला से दिखते थे, वही अगर गणेश मैली की बात करें तो ये हमें बीजेपी की तरफ से दिखते थे वहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर लड़ते हुए विधायक के रूप में, लेकिन अगर हम देखें तो अभी जो है वो वाइंड अप एक तरह से बदल चुका है, जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदल चुका है, अब गणेश मैली जो है वो जेएमएम की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं कि वो सरायकेला सीट से लड़ेंगे और वही चंपई सोरेन को अगर हम कहें तो चंपई सोरेन अब हमें दिख रहे हैं कि वो जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं सरायकेला से। चंपई सोरेन को लेकर आपके मन में खासी नाराजगी, आप कह रहे हैं कि मुझे पार्टी से दिक्कत नहीं है चंपई सोरेन से दिक्कत है, चंपई सोरेन तो इतने वक्त से अभी
5-6 जो भी 3-4 महीने हो गए हैं वो पार्टी में आ गए हैं, किस तरह का कार्यकाल रहा है, आदिवासियों के मुद्दों को वो लगातार उठाते हुए आए हैं। वहीं अगर हम अभी कहें आदिवासी कोड जिसको लागू करने की बात कही थी, उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज तक ने इसे खत्म करने का। चंपाई सोरेन जी सबसे बड़ा आदिवासियों का विरोधी है आज तक, लेकिन वो कहते हैं मैं तो सबसे बड़ा सपोर्टर, अपना घराली आसूदी बहाने का काम करता है, लगभग 30 वर्षों से सरायकेला विधानसभा से उसने नेतृत्व किया है, कई बार कैबिनेट का मंत्री रहा है, एक बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भी सरायकेला विधानसभा में किसी भी आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं किया है, और ना सरायकेला विधानसभा में कोई ऐसे विकास का काम अभी तक किया। आप जाके देख सकते हैं अपने आंखों से, प्रैक्टिकल रूप से एक बार सरायकेला विधानसभा से आप दौरा करके आकर देख लीजिए। अपने 5 महीने के जो कार्यकाल के बारे में हवाला देते हुए चंपाई सोरेन ने सीधा सीधी यही कहा है कि आदिवासियों के हित में मैंने काम करने के लिए ये 5 महीने का आप मेरा कार्यकाल देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये नजर आएगा कि मैंने आदिवासियों के हित में ही काम किया। और जेएमएम पार्टी को छोड़ने के पीछे सबसे बड़ा रीजन उन्होंने यही बताया है कि जो भी मैंने काम किया उसे नहीं माना गया, इसीलिए चंपाई सोरेन जी 5 महीने में कुछ भी नहीं किया। 5 महीने में सिर्फ वो झारखंड को लूटने का काम किया, अपना संपत्ति अर्पित करने का काम किया, उस संपत्ति को बचाने के लिए बीजेपी में आकर अपना आश्रय लेने का काम किया, झारखंड के लिए कुछ भी नहीं किया है। अगर उतना ही अगर उसको अगर आदिवासियों के लिए काम करना था तो 5 महीने में कहीं क्यों नहीं अपने आदिवासियों के लिए कभी कोई मुद्दा उठाया, क्यों नहीं आप यहाँ पर आपका धर्म कोड को क्यों नहीं लागू किया। अगर क्षेत्रीय भाषा की हम बात करें तो क्षेत्रीय भाषा को उन्होंने कहा था कि स्कूल में प्राथमिक स्कूल में ही शुरू कर देनी चाहिए, इसे लेकर उन्होंने कहा कैबिनेट में हमने आदेश पारित करवाया है, लेकिन जैसे ही हेमंत सरकार वापस सत्ता में आई, अगर आदिवासियों को हितैषी रहता तो सरना धर्म कोड को लागू कराता, आपका क्षेत्रीय भाषा में स्कूल में आपका शिक्षक बहाली करता, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला ना। क्यों नहीं मौका मिला, मौका तो मिला था, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है। आपका चंपाई सोरेन का राजनीतिक जीवन में हमेशा आदिवासियों को सोलो भोजन देकर कमारने का काम किया, कभी भी आदिवासियों के हित में कुछ भी नहीं किया है। आखिर ऐसे क्या रीजन रही है कि बीजेपी उन पर इतना ज्यादा भरोसा कर रही है अपने कार्यकर्ता को छोड़कर, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि बाहर के लोगों पर बीजेपी भरोसा कर रही है। वो तो हेमंत बिस्व शर्मा जानेंगे ना, हमारे असम के माननीय मुख्यमंत्री आपका चंपाई सोरेन को कितना बड़ा तोप समझ के उसको तीनों जगह से उसको टिकट देने का काम किया है, इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व को आपको तीनों विधानसभा हरा कर आपको शीर्ष नेतृत्व को संदेश देना चाहते हैं, घटशिला से भी आप उसका बेटा हारेगा, चंपाई सोरेन सरायकेला से भी हारेगा और सुनाराम बोदरा खरसवां से भी हारेगा, ये मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से उसको मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, तीनों सीट से हारेगा और बीजेपी का जो डिसीजन है ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन साबित होगा और आने वाले समय में झारखंड फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बनने जा रहा है, बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आएगा, जो डिसीजन लिया चंपाई सोरेन जी को जितना बड़ा तोप समाज के उसको लेके आया है वो बीजेपी के लिए सर्वनाश होगा। चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि जिस तरह से सरायकेला से चंपाई सोरेन हारे, घाटशिला से उनके बेटे हारे, वही अगर हम बात करें ये सोनाराम बोदरा की तो वो भी खरसावा से हार रहे हैं, अगर ये हारती है बीजेपी सपोज और बीजेपी चाहेगी कि आप वापस उनके साथ आ जाए तो क्या आप बीजेपी के साथ वापस जाएंगे फिर? कभी नहीं, नहीं जाएंगे, जेएमएम के साथ ही अब काम करने का मन। आपको मेरा पूरा जीवन पूरा जेएमएम के लिए समर्पित है जी, मरते दम तक आप जेएमएम में रहेंगे, हम तो जीवन भर जब तक जब से हम लोग आपका होश संभाला था बीजेपी में आकर संगठन को हमने सीखने का काम किया था, लेकिन बीजेपी ने चंपाई सोरेन को अपना तोप समझ लिया, और चंपाई सोरेन जी कितना बड़ा नेता आपका समाज के उसको सारा जगह चंपाई सोरेन जी का आपका बातों को सुना गया, हमारे बातों को मना गया, इसका खमियाजा हेमंत बिस्व शर्मा जी को भोगना पड़ेगा। इतना बड़ा तोप है तो कहीं सिविल चुनाव लड़ना चाहिए था ना, आखिर तोप क्यों मान रही है बीजेपी उनको? ये तो कुछ बीजेपी तो देखा होगा ना, जो जान जो जो लोग उसको तोप समझ रहा है वो लोग समझेंगे आने वाला चुनाव के परिणाम के बाद पता चलेगा क्या है तोप नहीं तो क्या है, आप बताइए अगर बीजेपी तोप मान रही है आप उन्हें क्या बताते हैं? हमारे बाहर के लोग चंपाई के बारे में क्या जानते हैं? हेमंत बिस्व शर्मा आपका असम के माननीय मुख्यमंत्री है, उसको झारखंड का राजनीतिक स्थिति और झारखंड का ग्राउंड रिपोर्ट उसको क्या पता है? ऊपर ऊपर के लोग जो उसको जैसे जो आपका मैसेज कर यहाँ तो चापलूसियों के बीच में घेर के रह गया है। चलिए ऊपर के लोग तो कह रहे हैं कि हेमंत आदिवासी विरोधी है, चापलूसियों से घिरे हुए, दलालों से घिरे हुए। गलत बात है, आज हेमंत जी ने जो काम किया झारखंड के लिए वो किसी ने नहीं किया है जी। तो जेएमएम की ऐसी कौन सी रणनीति है जो आपको इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि आपने जेएमएम का ही दामन थामने का मन बनाया? आप निर्दलीय भी लड़ सकते थे, अगर आपकी पैठ इतनी ज्यादा वहां पर मजबूत है आप निर्दलीय खड़े हो सकते थे वहां से,
निर्दलीय खड़े होने का बात नहीं है, जब हमको बोला जेएमएम अच्छा लग रहा, जेएमएम अच्छा पार्टी है, जेएमएम आपका 5 साल में जो जो आपके क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए जो विकास का काम किया, महिला योजना जैसे युवाओं को रोजगार देने का बात हो, चाहे क्षेत्र का आगे बढ़ाने का बात हो, यहाँ के जल जंगल जमीन की रक्षा की बात हो, तो निश्चित रूप से जेएमएम आपका जमीनी स्तर पर काम किया। 2 साल तो कोरोना काल में समाप्त हो गया और बाकी जो बच्चा आपका जो था आपका यहाँ बीजेपी के लोग उसको झूठा आरोप लगाकर जेल में भेजने का काम किया, इसको हम वाली बात नहीं जानते। इसलिए हेमंत बाबू को आपका अस्थिर सरकार चलने का मौका दिया ही नहीं, हमेशा उसको किसी ना किसी उलझन में उसको फंसा के रखा। आप बोल रहे झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजने का काम किया, उस वक्त आप बीजेपी में ही थे। तो हमारे उपशिष्ट नेतृत्व ने जो डिसीजन लिया उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते थे जी। हम लोग तो सब चीज जानते थे, सब चीज हम लोग को जानते भी, हम लोग को मजबूरी था कि चुप रहना था जी, सच्चाई तो हम सब जानते थे। कोल्हान की अगर हम बात करें तो कोल्हान में अब तक जेएमएम चंपई सोरेन के भरोसे जीतती आई है, वहाँ पर उनको ही टाइगर मानती आई है और चंपई सोरेन काफी सालों से 1991 के बाद चंपई सोरेन टाइगर नहीं गिद्धड़ बन जाएगी। 1991 के बाद चंपई सोरेन वहाँ पर इलेक्शन जीतते हुए आए हैं, उनका पैट बना हुआ रहा है, तो अब आपको लेकर जेएमएम कितनी श्योर है? देखिए तो जेएमएम को तय करना है, हम लोग तो एक साधारण कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमने अपना आपको तो कह दिया ना, हमने अपने भावनाओं को रखा है और अब आगे तो तय करना, पार्टी को तय करना है। किसी भी पार्टी में जाएंगे तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, उसका सेंट्रल कमेटी है, वो टिकट आपका जो कहता चुनाव संचालन समिति उनका है, वो लोग अपने को तय करेगा कि भाई किसको कहाँ से चुनाव लड़ाना नहीं लड़ाना, ये उनका ऊपर निर्भर है। इस पर हमको कोई कमेंट करना नहीं है कि हमको जेएमएम से सियोर हो गया है, जेएमएम से हमको टिकट मिल ही जाएगा, ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने अपना भावनाओं को उनके पास सामने रख दिया है, औपचारिक से मुलाकात करके हमने बातों को रखा है, बाकी आपको हेमंत बाबू को तय करना है आगे उसको का डिसीजन लेना, आगे कौन सा स्टेप लेना है, किस विधानसभा से किसको कैंडिडेट बनाने से हमारे लिए आने वाले समय में उसके लिए उसको लाभदायक हो सकता है। जेएमएम देखिए जिस तरह से जेएमएम की तरफ से चंपई सोरेन लगातार कोल्हान में काम करते आए हैं, उन्हें टाइगर माना जा रहा है वहाँ पर, वहाँ की जनता उन्हें पूछती आई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पे मैंने काम किया है, चंपई ने सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है, आदिवासियों के अगेंस्ट है, वही चंपई लगातार ये कह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो आदिवासियों के लिए काम कर रहा हूँ, और उनकी जो नाराजगी थी। एक से भी एक उदाहरण मुझसे पूछिए कि आदिवासियों के लिए कौन सा ऐसा आपने काम किया है जी। सरेकला विधानसभा का अगर बात करें तो लगभग 30 वर्षों में अभी तक एक भी वहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है। आपका आदिपुर एशिया के सेकेंड स्थान के रूप में आपका औद्योगिक क्षेत्र में उसको जानता हूँ, उद्योग से भरा हुआ है, इतना बड़ा आपका औद्योगिक क्षेत्र है, इतना बड़ा आदिवासी बोल क्षेत्र है। आज भी हमारे वहाँ के आदिवासी परिवार के पढ़े लिखे शिक्षित बच्चों को ITI डिप्लोमा पढ़ने के लिए आपका अन्य राज्य को जाना पड़ता है, एक भी वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। आपने क्या किया है? अगर विकास का बात करता है शिक्षा के चीज़, शिक्षा के बिना विकास कहाँ आप कर सकते हैं जी। जब तक हम समाज को शिक्षित नहीं कर सकते उसको मुख्य धारा में जोड़ भी नहीं सकते। तो जनता के बीच में क्या नाराजगी है, क्या कुछ नाराजगी देखने को मिली है? नाराजगी तो आने वाला समय चुनाव में दिखेगा, आप तो उसको हम सबको हम बताना नहीं चाहेंगे, ये हमारे अंदर का बात है। चंपई सोरेन बता दीजिए, चंपई सोरेन जी कितना लोकप्रिय है।